वर्षों से पथिकों की राह टोह तो रहे रायपुर स्काई वॉक का, का काम जल्द ही पूरा होगा मैंने इतनी कठिन हिंदी बोली क्यों बोली क्योंकि इसकी कठिनाई भी उतनी ही ज्यादा है इस स्काई वॉक की जितनी कठिन यह हिंदी है पैदल चलने वाले यात्री अब इसमें सैर कर सकेंगे स्काई वॉक में थोड़ा सा शुभ संकेत आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद स्काई वॉक मामले की फाइल खुलेगी आचार संहिता की वजह से फाइल अभी रुकी हुई थी लेकिन डिप्यूटी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से संबंध में जानकारी मंगाई है विस्तार न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था करोड़ों रुपए जो जनता के टैक्स के लगे हैं उनका आगे क्या होगा बार बार सवाल पूछ रहा था और अब राह खुलती हुई दिखाई दे रही है रिपोर्ट देख लीजिए फिर सहयोगी कर रुक करेंगे राजधानी रायपुर का मुख्य मार्ग इस बात का गवाह है कि अगर सरकारी प्रोजेक्ट्स सही समय में पूरे न हों तो कैसे कबाड़ बन जाते हैं भाजपा शासनकाल 2017 में शुरू किया गया सतहत्तर करोड़ का स्काई वॉक आज तक पूरा नहीं हो पाया है लेकिन अब आचार संहिता खत्म होने के बाद विश्व सरकार इस प्रोजेक्ट के संबंध में निर्णय लेने जा रही है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में अधिकारियों को तलब किया है रायपुर के भीमराव अंबेडकर चौक से शास्त्री बाजार चौक होते हुए जय चौक के बीच सड़क में पिछले पाँच सालों से स्काई वॉक के पिलर खड़े हैं 2017 से 2018 तक स्काई वॉक का, का काम तेजी से चला लेकिन पाँच साल बाद स्काई वॉक में जंग लगने लगा है देखिए जहाँ तक स्काई वॉक की बात है मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग ऐसी और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार उस पर निर्णय करेगी आज की परिस्थितियों में उन कामों की स्थिति और कामों की आवश्यकता इन सब बातों पर विचार करके निर्णय करेंगे देख ले अगर उपयोगता है सरकार को उसका प्रायोरिटी का निर्धारण सरकार को करना है लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्काई में कौन घूमेगा क्या आप लोग एक आध बार एक जगह दूसरे जगह जाना है तो स्काई में चल जाएंगे तो उसकी उपयोगिता नहीं है इसलिए हमारी सरकार ने उसको रोक के रखा हुआ था कमेटी बनी हुई थी भाजपा के लोग तो कभी उस कमेटी में आकर कोई सुझाव दिए नहीं अब वो सरकार अपना प्रायोरिटी तय करती है लेकिन जनहित में प्रायोरिटी तय होना चाहिए सरकार कई साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को लेकर निर्णय जल्द देगी और इसके बाद राजधानी रायपुर के मध्य में खंडहर सा दिखने वाला स्काई वॉक काम आ सकेगा विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट रोहित मिश्रा की रिपोर्ट आपने देख ली अब सीधा रोहित का ही रुख करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है रोहित सुनाई दिया है कि अधिकारियों ने जायजा लिया है इस पुल की स्थिति देखी है और फिर इसके आगे की जो है रणनीति बनाई जा रही है नितेश सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि एक अप्रैल को विस्तार न्यूज़ का आगाज़ हुआ था और चार अप्रैल को हमने रायपुर स्काई वॉक को लेकर ज़िम्मेदारों से सवाल किया था सवाल उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भी किया गया था स्काई वॉक को लेकर हमने विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी जिसके बाद ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा लेकिन आदर्श आचार संहिता लग गई जिसके वजह से अभी तक जो काम है वो रुका हुआ था लेकिन अब जानकारी ये है कि अब अधिकारियों को पुरानी फाइलें फिर से खोलने को कहा गया है क्योंकि मामला सतहत्तर करोड़ रुपए की है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस पर लगा हुआ है पचास फीसदी से ज्यादा का काम है है वो पूर्ण हो चुका है। तो ऐसे में एक बार फिर से इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इस पर रोक लगाए थे इसे गैर उपयोगी बताया था और इसको भ्रष्टाचार की नींव बताई थी तो उसको लेकर रोक लगा दी गई थी एससीबी को भी फाइल सौंपी गई थी लेकिन अब एक बार फिर से जब वापसी सत्ता पे भाजपा की हो चुकी है तो इसकी फाइलें खोली जा रही हैं तमाम तरीके से ठेकेदार कौन था आगे कैसे इसमें कार्य योजना बनाई जा सकती है जिस उपयोग के लिए पैदल चलने के लिए इसको बनाया गया था उसी उपयोग पर ही इसको पुनः जीर्णोद्धार करना है कि और करोड़ों खर्च करना है या फिर तोड़ के इसे तहस नहस कर देना है वो तमाम चीजों को लेकर अब जानकारी एकत्रित की जा रही है और जानकारी एकत्रित करने के बाद में जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है यह कहना उप मुख्यमंत्री अरुण साव का है उन्होंने विस्तार न्यूज पे कहा है कि जल्द इस पर निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद पे इसको लेकर जो है आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी तो निश्चित तौर पर जो सतर करोड़ रुपए हैं अब उसका आगे क्या होगा जल्द ही साफ हो जाएगा बिल्कुल और इस पर सियासत भी चल रही है शिव डेहरिया कह रहे थे कि हमने समिति बनाई थी उसने ऐसा फैसला किया ये किया कौन चलेगा लेकिन जब 50 करोड़ खर्च हो गए थे 40 करोड़ खर्च हो गए थे तो 30 करोड़ रोककर इसे खंडहर के रूप में स्मारक के तौर पर सजा भी देना कोई एक अपने आप में सही चीज़ नहीं दिख रही थी रोहित बिल्कुल नहीं दिख रही थी नितेश क्योंकि इसका जो मोटो था जब 2017 में इसका प्रेजेंटेशन बनाया गया था उस प्रेजेंटेशन में कांग्रेस के तत्कालीन महापौर भी थे इसके अलावा जो सरकार के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूर्त ने इस प्रोजेक्ट को सामने रखा था तब सब लोगों ने यह कहा था कि ये उपयोगी है और उसी उपयोगी होने के बाद में इसको जो सहमति दी गई थी दो हजार से दो तक इस पर इतना तेजी से काम चला कि एक साल पर ही इसका लगभग साठ काम जो है वो पूर्ण कर लिया गया था लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ सत्ता परिवर्तन के बाद में कहीं ना कहीं इस पर राजनीति होने लगी और राजनीति के भेंट इसको हम कह सकते हैं कि ये जो स्काई वॉक है वो चढ़ गया कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया बाद में रोक लगा दिया को भी फाइल लेकिन अब इस पर दिख रहा है कि जो निर्णय है वो जल्दी जल्द आ सकता है और निर्णय जल्द आएगा तो निश्चित तौर पर जो प्रोजेक्ट है क्योंकि शहर के मुख्य रायपुर स्मार्ट सिटी हम कहते हैं और स्मार्ट सिटी पे ये एक धब्बा के रूप में कहा जाएगा कि जो खंडहार सा तब्दील करता वो भी मुख्य शहर पे घड़ी चौक जैस्तम चौक शास्त्री बाजार चौक लेने की, की स्थिति रही और दो चार साल और लेट किया गया तो ये कहीं कही ना कहीं सरकार की जेब के लिए भी महंगा साबित होगा तो इसको लेकर जो है अब तलब की जा रही है देखते हैं कब तक इस पर फैसला आएगा नीतीश ठीक है रोहित बहुत बहुत शुक्रिया